ये धर्म रथ है, इसके एक ओर शौर्य दूसरी ओर धैर्य की पहिए लगे हैं। इसी धर्म रथ पर बैठकर सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा करता है और सृष्टि को अपनी रश्मियों से आलोकित करता है। ये वही धर्म रथ है जिस पर खड़े होकर कवि श्री कृष्ण ने पांच जन्य शंख बजाया था और अर्जुन को गीता सुनाई थी। धर्म रथ जो पूरे करेगा आपके सभी मनोरथ। जहां है आस्था का ज्वार, भक्ति की बयार, नहीं रहेगी कोई इच्छा अधूरी, होगी सभी की मनोकामना पूरी। हर देवालय हर धाम गूंज रहा है प्रभु का नाम। श्रद्धा की सच्ची कहानी, श्रद्धालुओं की जुबानी, मन्नते मांगने को हो जाओ तैयार। धर्म रथ पर होकर सवार, कृतिका चौबीसा आ रही है आपके द्वार। धर्म रथ सत्य की पतवार। स्वागत है आपके साथ, मैं हूँ कृतिका चौबीसा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम धर्मरथ। आज धर्मरथ में मैं आपको मेवाड़ के लोक नृत्य से रूबरू करवाने जा रही हूँ। जब जब भी राजस्थान के बारे में कोई आदमी सोचता है तो यहाँ की वेशभूषा, रेतीले टीले, सर पर रंगीली पगड़ी, ये सब कुछ जहन में आता है और इन्हीं वजह से हमारा राजस्थान प्रसिद्ध भी है। लेकिन यहाँ के लोक नृत्य, यहाँ की लोक संस्कृति की अगर बात करें तो वो भी काफ़ी अनूठा और निराला है। मेवाड़ में राखी के एक दिन बाद से अगले दिन से 40 दिनों तक लगातार गवरी नृत्य खेला जाता है। इसमें थाली और मांदल की आवाज़ होती है, इसीलिए इसे राई नृत्य भी कहते हैं, जिसमें नाटक भी है। और जगह जगह पर ये जो नाटक प्रस्तुत किए जाते हैं वो लोक गाथाओं पर, लोक कथाओं पर आधारित होते हैं। तो आइए आज आपको रूबरू करवाते हैं मेवाड़ के लोक नृत्य गवरी से। राजस्थान की समृद्ध लोक परंपरा में कई लोक नृत्य एवं लोक नाट्य प्रचलित हैं, लेकिन इन सबसे अनूठा है दक्षिणी राजस्थान का लोक नृत्य गवरी। गवरी भीलू का एक मेरू नाट्यम है, इसे गवरी के अलावा राई भी कहा जाता है। गवरी में अभिनित किए जाने वाले दृश्यों को खेल, भाव या सांग कहा जाता है। ये भील जनजाति का एक ऐसा नाट्य नृत्य अनुष्ठान है जो सैकड़ों वर्षों से प्रतिवर्ष श्रावण पूर्णिमा के एक दिन पश्चात प्रारंभ होकर सवा माह तक आयोजित होता है। इसका आयोजन मुख्यतः मेवाड़ के उदयपुर, राजसमंद और बांसवाड़ा जिले में होता है। इसका कारण यह भी है कि आदिवासी भील जनजाति इस जिले में बहुतायत से पाई जाती है। गवरी का कथानक भगवान शिव जी के इर्द गिर्द होता है, जो इसके केंद्रीय चरित्र है, तथा इस नृत्य नाटिका में उनका चरित्र बहुत ही आश्चर्यजनक रूप में चित्रित होता है। गवरी में जो गाथाएं सुनने को मिलती हैं, उनके अनुसार देवी गोरजा धरती पर आती हैं और धरती पुत्रों को खुशहाली का आशीर्वाद देकर जाती हैं। गोरजा भीलू की प्रमुख देवी है। वे मानते हैं कि यह देवी ही सर्व कल्याण तथा मंगल की प्रदात्री है। Thank you.
आदिवर्धन जल वर्षण और जरा व्याधि विनाशक गौरजा माता का आशीर्वाद पाने के लिए जनजाति इलाके के युवा इस महोत्सव का वर्ष भर इंतजार करते हैं और करीब 200 भील गमेती घरों के पुरुष सदस्यों की टोली एक गांव से गवरी मंडल उतारती है जो मेवाड़ से कई गांवों से राखी के बाद से ही शुरू हो जाती है। सबके हाथों में व्रत के विलय, कानों में गौरजा दीक्षा के कुंडल और पांवों में घुंघरू की घमक होती है। 40 दिनों तक घर घर गवरिया और गेल गली गवरी की चमक और छमक बनी रहती है। जहां जहां भी गवरी रमी जाती है पूरे क्षेत्र में हर घर उल्लास में रहता है। बस्तियों की बहन बेटियां, बाबा बाबजी और बेटे पोते गवरी के हर ख्याल पर नजर रखते हैं। यह कितना बड़ा विश्वास है कि गवरी दर्शन रंजन ही नहीं पीड़ा भंजन का भी बड़ा अवसर है। गवरी के मुख्य पात्र बूढ़िया, जिसे राय बूढ़िया भी कहते हैं, दोनों राइयां जिन्हें लज्जा और धज्जा का प्रतीक माना जाता है, पाटवी भोपा जो गौरजा माता का घोड़ला होता है, कुटकड़िया जो गवरी में हसोड़े का किरदार निभाता है, वही बड़ा खेड़ा का किरदार पूरे गवरी मंचन में सेवा करने का रहता है, नारियल अगरबत्ती जागता करना इसी का काम होता है, वही मादलिया की भूमिका भी मुख्य रहती है, यही गवरी रमाता है। मादल बजाकर पहले साजर बांधी जाती है। साजर मतलब वह गोला जहां पर गवरी का मंचन होगा। साजर बांधने के बाद मादलिया उल्टा नाचते हुए पूरे गोले के चक्कर काटता है ताकि कोई भी भूत प्रेत या ऊपरी हवा का असर उस स्थल से दूर हो जाए। इतिहासविद डॉक्टर महेंद्र भानावत कहते हैं कि यह नृत्य नाट्य शास्त्र की अपेक्षा अधिक नियोजित और न्यासित है। 80 वर्षीय भानावत ने इसके चमत्कार को दशकों पहले बीमारी के दौरान देखा और जब नार यानी एक शेर के पात्र के नीचे से 3 बार निकले तो आज तक दोबारा बुखार उन्हें नहीं आया। आस्था और विश्वास के बिना संसार नहीं चल सकता। कई बार गवरी नहीं चलाने पर दबाव भी आए लेकिन यह अनवरत चलती रही और आगे भी चलती ही रहेगी। गवरी जो मेवाड़ की आन बान और शान है, ऐसे में उन लोगों से मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जिन्होंने गवरी को जिया है और गवरी के बारे में बहुत कुछ जाना है, पता लगाया है और कई पुस्तकें लिखी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं महेंद्र जी भानावत साहब, जिन्होंने PhD की है गवरी के ऊपर। आइए उनसे मुखातिब होते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका उदयपुर न्यूज़ में। सबसे पहले तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि पहले राई कहा जाता था गवरी को, लेकिन ये गवरी कैसे हो गया फिर? हम लोगों ने तो बचपन से ही, जब 5-6 वर्ष के थे तब से राई नाम सुना है और हमारे गांव में गांधौड़ में तो राई नाचती थी रावले में जी। तो मैं बुखार से बहुत पीड़ित हो गया था और समझो कि कोई दवा तो थी नहीं, कोई समझे बूझे गांव में थे नहीं, तो अब क्या करें। तो मेरी माँ मुझे कई चादरों से ढकती रही और अंत में महिलाओं ने कहा कि रावला में गौरी नाचती, जाना बटे ले जाओ, तो ले गए। आस्था तो गांव में होती है, आस्था और विश्वास के बिना तो कोई गांव क्या, कोई शहर भी नहीं चलता, मनुष्य भी नहीं चलता। तो ले गए तो साहब वहाँ देखिए आपके ऐसा कुछ अजरज रहा है कि अंतिम स्वांग था शेर शेर का, तो एक व्यक्ति बहुत भीमकाय था और हृष्टपुष्ट था और पूरे शरीर पे उसके शेर की वो चित्तियाँ लगी हुई थी और बड़े हुंकार दे रहा था और बड़ा ओजस्वी था वो, पर शरीर से धरती पर लेटा हुआ था तो एक जांग उसकी कांप रही थी और हाथ जो धरती पर दे रखा था वो भी कांप रहा था, तो पूरा शरीर थरथरा रहा था। उसके नीचे से मुझे निकाला 3 बार और अब विश्वास, मैं तो कर ही रहा हूँ जो मेरे पर बीती है जी। मैं घर जाते आते ठीक हो गया, मेरा घर बहुत दूर नहीं था, पास ही था, रास्ते में ठीक हो गया और उसके बाद करीब 80 वर्ष होने आए हैं, मुझे कोई बुखार नहीं आया। तो गौरी मेरे लिए, तो मेरे लिए क्या, पूरे गांव के लिए, पूरे शहर के लिए, पूरे मेवाड़ के लिए, इसके बड़ा अलावा कोई देन नहीं है। मैंने ही विश्वास नहीं किया, सब लोग विश्वास से जी रहे हैं इसलिए गौरी चल रही है, अन्यथा कम प्रयत्न हुए कि आज़ादी के बाद गौरी को बंद करने के। माफ़ करें, मेरे पास एक छपा हुआ पर्चा है जिसमें यह लिखा हुआ है कि गिरवा के समस्त भाइयों, अब सरकार आ गई है, विकास सब तरफ फैल गया है और हमें विकास की धारा में आना है,
इसलिए पंच मुख्य पंच रिक्वेस्ट कर रहा है कि हम सब पंचों की ये फरमान है कि कोई भी गौरी नहीं लेगा। यदि किसी ने गौरी ले ली तो वह जाति से बाहर कर दिया जाएगा और दंड का भागी होगा। ये मेरी ओर से, आपकी ओर से नहीं, गांव वालों को फरमान था, पंचों की ओर से जी। सारे पंच के अधिकार में तो आज ही गांव पंचायत चलती है ना, तो उनकी ओर से छपा हुआ ये पर्चा। तो आप देखिए कितना प्रयत्न हुआ, गौरी नहीं चले जी। विकास की धारा में आना है तो सब परंपराएं बंद करो, इसका अर्थ हुआ। सर, आपने तो गौरी को काफ़ी करीब से जाना है और हो सकता है जीवन में कई बार आपने गौरी को देखा होगा। अब वो मौका है जब गौरी देखने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। क्या फ़र्क पाते हैं सर आप पुरानी गौरी में और अभी की गौरी में? क्योंकि शायद पहनावा कहीं ना कहीं चेंज हुआ है। मैं अभी अभी देख कर आई हूँ, जहाँ जहाँ गौरी खेली जा रही है वहाँ पर पहनावा जो है वो अब मॉडर्न तरीके का हो गया है थोड़ा सा। नहीं, परिवर्तन कहाँ नहीं हुआ है। हम बार बार गौरी को लेकर के ही या किसी भी विषय को रखते हैं तो उस विषय को लेकर ही चर्चा करते हैं। हम ये चर्चा नहीं करते हैं कि चर्चा करने वाला कितना परिवर्तित हुआ है। तो समग्र परिवर्तन हो गया है, परिवर्तन तो समग्र हुआ है ना। तो समग्र परिवर्तन में गौरी वाले क्या सभी आ गए और लोक कलाओं की परंपराओं की जो वो बात करते हैं ना, तो वो भी बात हम बहुत ठीक से नहीं समझ पाए। लोक कलाएँ वो हैं, लोक परंपरा जो अनवरत चल रही है, लेकिन अनवरत बदल रही है। जैसे नदी का पानी, नदी का पानी चलता हुआ दिख रहा है तो क्या वही पानी चल रहा है क्या? जो पानी आ रहा है वो तो बाहर जा रहा है ना, लेकिन हमें दिख रही नदी बह रही है, नदी लगातार बह रही है। तो कौन सा पानी बह रहा है, पानी नया है कि पुराना है, हम उसमें भेद नहीं कर सकते। क्या संदेश देती है गौरी? क्योंकि सृष्टि की तरफ भी इसका इशारा है और कई लोक गाथाएं भी इसमें हैं। क्या क्या संदेश है और क्या कहानी? सबसे बड़ा संदेश गौरी का प्रारंभ ही देखिए आप। शिव कैलाशपुरी से तपस्या कर रहे हैं और वहाँ उनका एक भक्त है जो राक्षस है, भस्मासुर, वो उनकी सेवा में लीन है। वो राक्षस तो है लेकिन पूरा भक्त है। उस भक्ति के स्वरूप, भक्ति करते करते वो बिल्कुल शिव जी का अपना हो गया, लेकिन क्योंकि वो राक्षस था तो उसमें विपरीत मति उपजी, तो शिव जी के पास से कड़ा था। तो उसने शिव जी कहा, मैं तो एक वरदान माने भी आपो, तो कई वरदान आपे कि यो आपने पास जो कड़ो है यो मन आपो, तो जा वरदान दीदो थने कड़ो। तो बस में कड़ा उसको मिल गया, तो वो जानता था। तो शिव जी ने कहा, देख अन्न ध्यान लाग जे पूरा कड़ारो, तो अन्न मिस यूज करे मती, गलत प्रयोग करेगा तो खतरो है। लेकिन वो तो राक्षस था के, तो उसको तो मिल गया, तो वो तो जो उछलने लग गया कि सब कुछ मुझे मिल गया, तो शिव जी को ही मात कर दूंगा। तो कड़ा शिव जी को मात करने के लिए उनके ऊपर फेरने लग गया, तो शिव जी तो भाग गए पीछे पीछे वो दौड़ा, अंत में भूल गया वो, तो अपने ऊपर ही वो नृत्य में मग्न हो गया, तो वो बस में हो गया। तो बस में होते होते उसने कहा कि मुझे वरदान दीजिए। मैं तो वरदान तो उसी ये भारत मनाया उन्होंने गौरी का, इसमें चेहरा वगैरह ने वो कब खांडा तेरा रहेगा और बाकी रूप मेरा रहेगा। तो वो जो चेहरा लगाता है राई बुढ़िया, वो बड़ा भयंकर है। और आपने देखा हो तो बच्चों को अगर लाएं पहली बार तो बच्चे डर जाएंगे उसको चेहरे को देख कर। ये कितना सही है कि उसी समय उस इंसान के ऊपर शेर की जो आकृति बनी होती है उसे हटाना ज़रूरी होता है। ये कितना सही है। हटाना तो इसलिए जरूरी होता है कि वो जो आकृति धारण करता तो व्यक्ति थोड़ी है क्या। जितने भी पात्र मुख्य पात्र हैं, जो बाना धारण करते हैं, जो वेश धारण करते हैं, जो अभिनय धारण करते हैं, वो व्यक्ति गौण हो जाता है, व्यक्ति तो विलीन हो जाता है। और जिसका वेश धारण करता है वो व्यक्ति प्रमुख हो जाता है। जब नाटक की समाप्ति हो गई तब वो किस बाने में रहेगा, क्यों रहेगा? देवता तो है नहीं, तो देवता नहीं है तो मनुष्य रूप में तो आएगा कि नहीं आएगा, इसलिए तत्काल इन सारी चीज़ों को छोड़ता है। एक अंतिम प्रश्न मेरा आपसे है कि गौरी को बचाने के लिए क्या कुछ प्रयास आपको लगता है कि किए जाने अब बेहद ज़्यादा ज़रूरी है? प्रयास करने से कोई चीज़ें बनती है क्या, बिगड़ती है क्या? बिगड़ तो जाती है, प्रयास करने से बिगड़ जाती है। एक फरमान निकाल दिया सरकार ने कि कोई गौरी नहीं लेगा और कोई गौरी नहीं देखेगा, अगर ली और देखिए तो उसको सजा देंगे। तो ये प्रयास तो आपका सफल हो सकता है,
आपके पास फोर्सेज हैं, पुलिस बल है, फलाना है ढिंगाली, लेकिन सरकार और दूसरे लोग कुछ नहीं कर सकते। जो कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि जो हमारी आस्थाएं हैं, चाहे किसी की भी हो, सामूहिक रूप में जो समूह जीवन है लोग का, तो व्यक्तिगत तो जीवन है नहीं, समष्टिगत जीवन जीते हम सब, सामूहिक रूप से जीते हैं, सबका भला, सबका विकास, सबका साथ, गांव में तो ये आज भी चल रहा है। तो हमारे चाहने से कुछ नहीं होगा, लेकिन हम हमारी भावनाओं को ठेस न पहुँचाएँ, हमारे जो संस्कार हैं उन संस्कारों को हम इधर उधर गड्ढ मड्ढ न करें, हमारी जो भारतीयता के जो पक्ष हैं वो बराबर सुरक्षित रहें, वो तत्व हमारे में सुरक्षित रहें। हमारे मन में अगर ये बैठ जाएगा तो हमारे, सबसे पहले तो हमारे अपने बच्चों को सांस्कारिक बनाना है, बच्चे विदेश चले गए कमाने के लिए तो हमारे हाथ में तो रहे नहीं जी। तो हम क्या करेंगे? तो गौरी की बात तो छोड़ दीजिए, हम अपने घर से लेना अपनी बात जी। इसलिए मैं कहता हूँ कि पतंग चाहे कितनी आकाश में उड़े, खूब दिन भर छलांग लगाती रहे, ऊंची से ऊंची जाती रहे, अलोप हो जाए भले, लेकिन उसकी डोर तो धरती के पास है ना, जो दिख नहीं रही है। तो यह जो डोर हमारे पास आस्था की है, विश्वास की है, हमारे संस्कारों की है, हमारी भारतीयता की है, दूसरी जगह कहीं नहीं है। इसे किसे किस तरह से हम सुरक्षित रख सकें, संरक्षित रख सकें और फिर से हम नव्य भव्य रूप दे सकें, ये विचार करने की ज़्यादा आवश्यकता है। थैंक यू सर, आप उदयपुर न्यूज़ के दर्शकों के साथ जुड़े और इतनी अच्छी जानकारी आपने दी। तो ये थे डॉक्टर महेंद्र जी भाणावत, जिन्होंने गौरी को सिर्फ लिखा ही नहीं है बल्कि गौरी के हर एक पहलू को इन्होंने जिया है। और समस्त जानकारी आज महेंद्र जी भाणावत साहब ने हमें दी है। उन्होंने कहा है कि गौरी कई संदेश देती है, सृष्टि को बचाने का संदेश देती है, एक दूसरे के साथ प्रेम से रहने का संदेश देती है, और साथ ही गौरी को बचाने के लिए शुरुआत किसी बड़े लेवल से नहीं बल्कि घर से हमारे बच्चों से करनी चाहिए। गौरी के मंचन में यूं तो कई खेल होते हैं, लेकिन अंत में नार निकालने का मंचन भी होता है, जो शेर के रूप में माताजी की सवारी बनता है। अब ये काफी कम गौरियों में देखा जाता है, क्योंकि शेर का स्वरूप निभाने वाले किरदार को माताजी के समक्ष ढक कर लाया जाता है। लेकिन एक बार मंचन के दौरान ऐसा नहीं हुआ और जिस शख्स ने शेर की भूमिका निभाई वह किरदार खुले में चला गया, जो किसी के भी वश में नहीं रहा, और कुछ दिनों बाद उसकी मौत हो गई। उसके बाद से ही इस खेल को तब ही खेला जाता है जब क्षेत्रीय माता इजाजत देती है। गवरी मेवाड़ का सबसे पुराना नृत्य, इसमें काष्ठ के हथियार, मिट्टी का मांदल जैसा बाजा, गुर्ज जैसा हथियार होना बताता है कि यह धातुओं के ज्ञान से पुराना है।
भील जैसी सबसे पुरानी और अपनी सुदीर्घ प्रथाओं की पीठिका से सम्मानित जाति जिस गवरी नृत्य को करती है उसका अपना अनुष्ठान पक्ष है। भादो की लगते ही वे 40 नाटिकाओं के अभिनय के लिए घर ही नहीं गांव से भी निकल पड़ते हैं। जो कोई कलाकार है वे विसर्जन तक गृहस्थ होकर घर नहीं आते। गांव गांव गवरी होती है। गवरी में जितने नारी पात्र होते हैं वे आदमी ही निभाते हैं। दो या चारों राइयां खेतू अंबाव कालका वराजू कंजरी गुजरी आदि वे पूरे सवा महीने तक परिवार पत्नी पुत्र पुत्री के समस्त दायित्व से दूर होकर अभिनय को धर्म और कर्म समझकर करते हैं। गवरी में कभी पात्र बदलते नहीं। जिस घर के हिस्से में जो पात्र बनना तय है उसका मुखिया उस किरदार को करेगा ही। इतिहासविद श्री कृष्ण जुगनू बताते हैं कि गवरी से तो गांव के गांव जुड़े होते हैं। मेवाड़ ने मूल्यों को जिया है और गवरी ही एक ऐसा नृत्य है जो सदियों से सबको बचाने के लिए हर वर्ष खेला जाता रहा है और अनवरत जारी रहेगा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं श्री कृष्ण जुगनू साहब, जिन्होंने शास्त्रों के साथ में गवरी को स्टडी किया है और उस पर काफ़ी रिसर्च भी किया है। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका उदयपुर न्यूज़ में। हमें गवरी के बारे में कुछ ऐसे अनछुए पहलू के बारे में बताइए जो अब तक लोग नहीं जानते थे और कुछ चेंजेस जो हुए हैं अभी। देखिए गवरी जहाँ तक मेरा सोचना है कि हम लोग केवल ये कह देते हैं कि यह जनजातियों का नृत्य है, ऐसा नहीं है। गवरी के साथ जिस गांव में गवरी ली गई है उस गांव का ऐसा कोई परिवार नहीं है जो गवरी के साथ जुड़ा हुआ नहीं हो। ये बहुत मेवाड़ का एक बड़ा महत्व है इस गवरी के साथ और मैं इसको मूल्य कहता हूँ क्योंकि मेवाड़ ने उन मूल्यों को जिया है जो सांप्रदायिक सौहार्द और धार्मिक एकता, बल्कि मैं इसको मूल तत्व कहूँगा भारत के, कि वो प्रत्येक नृत्य के साथ इस रूप में जुड़ा हुआ है कि नृत्य कोई अलग नहीं, वो एक अनुष्ठान है, वो एक व्रत है। सर क्या गवरी सिर्फ भील समाज के लोगों का ही है? और बात करें तो समय के साथ क्या क्या बदलाव आप पाते हैं, क्योंकि मूल रूप की जो गवरी थी उसमें काफ़ी चेंजेस पहनावे को लेकर देखें तो है। कई सारे आपने जैसा कि बताया कि नाटक इसमें जुड़ चुके हैं और एक ऐसा लोक नृत्य है जिसमें संवाद भी है, जिसमें डांस भी है और जिसमें नाटिकोत्सव भी है। देखिए मुझे भरत मुनि याद आते हैं जिन्होंने नाट्य शास्त्र लिखा है। भरत मुनि को मैं इसलिए याद करता हूँ कि नाटक के रूप कितने हो सकते हैं, नाटकों में कौन से तत्वों को ग्रहण किया जाए और नाटकों के साथ जनता का जुड़ाव कैसे हो। गवरी पूरी की पूरी गवरी जब भी कभी मौका पड़ता है तो वो जो कलाकार आया हुआ है उसके आह्वान पर जितने देखने वाले दर्शक हैं यदि वो भोपा है तो वो उतरते हैं, है ना, वो भाव आता है उनको, वो उसमें उनकी भागीदारी है। वो जो देखने वाले लोग हैं यदि मौका उनको मौका पड़ रहा है तो वो उनसे, जैसे बोरे का खेल आया है तो वो देखने वाले से पैसे मांगता है, ठीक है, उसको पैसे देता है। यदि कोई महिला है तो वो उसको साड़ी देता है कि भाई तू मेरे लिए क्या लाया है। तो यानी एक जो कलाकार के साथ जो दर्शक है उनकी भी एक भागीदारी गवरी में। गवरी इसीलिए लाइव है, हम लोग सिनेमा से कितने ही जुड़ जाएं, कितने ही थिएटर काम कर लें, लेकिन जो जुड़ाव गवरी के साथ है वो किसी और के साथ होने मतलब के साथ जुड़ेगा। पार्टिसिपेशन करना भी गवरी के कलाकारों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है और वो इसीलिए गवरी, देखिए आप जहाँ भी जाती है ना वो एक व्रत पूरा करती है। ये व्रत केवल वो गोला नहीं है जिसमें वो मंडल करते हैं या गाई करते हैं, ये व्रत उनकी अपने आप की सीमाएं भी है जिनको वो जीते हैं। सवाल तो कई हैं लेकिन अंतिम सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी क्योंकि वक्त की भी अपनी सीमा है। सर पुराने जैसे कि राई से गवरी हो चुका है तो क्या कुछ पाते हैं आप पहले की गवरी में और अभी की गवरी में चेंजेस, और इस गवरी को अब बचाने के लिए क्या संभव प्रयास समाज द्वारा सरकार द्वारा किए जाने चाहिए? देखिए ये कितना बड़ा और कितना अच्छा सवाल मुझे लगा कि गवरी सबको बचाना निकलती है। गवरी का उद्देश्य भी ये है कि पशुधन, इस बार इस मेवाड़ में यदि कुछ सुख समृद्धि मिली है तो जो जनता का फीडबैक मुझे मिल रहा है कि मारवाड़ जितना पशुधन है ना, मारवाड़ में जितना पशुधन प्रभावित हुआ है उसके मुकाबले मेवाड़ में कम है, तो इसके पीछे कहीं न कहीं मुझे लगता है ये जो जनता का एक पूर्व सचेत होना, मुझे आपके यानी ये जो एक भाव था ना, मुझे कई लोगों ने कहा साहब गवरी नहीं बचेगी,
लेकिन मेरा विश्वास है गौरी अपने मूल्यों के लिए, गौरी अपनी परंपरा के लिए, गौरी अपनी चाहत के लिए और गौरी इस मेवाड़ की जनता जनार्दन की मांग के लिए हमेशा बची रहेगी। हाँ, समय आया तो जैसे मैंने कुछ कहा वो खेल भी बदलते रहेंगे। ये तो एक गौरी में छोटे मूल खेल नहीं है। उदयपुर न्यूज़ के साथ जुड़ने के साथ लिए और हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए, तो श्री कृष्ण जुगनू साहब जिन्होंने बताया कि गौरी हमेशा जिंदा रहेगी और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि आज भी जगह जगह पर मेवाड़ में जहां भी घूम घूम कर गौरी की जा रही है, चाहे कितनी ही कड़ी धूप क्यों ना हो, लोग वहां पर, लोगों का मजमा वहां पर हमेशा लगा रहता है। गौरी नृत्य की 40 दिवसीय अवधि इन पात्रों के लिए किसी तपस्या से कम नहीं। सबके सब नंगे पांव एकाशन वाले, हरियाली से दूर, मध्य मान घर आदि से दूर भूमि पर शयन करने वाले होते हैं। गौरी के नारी पात्र सामान्य नहीं, वे अतिकाय और अतिशय है। आपत्ति काल में जब भी किसी आदमी ने उनको पुकारा, वे बल और बुद्धि पूर्वक उसका साथ देती है। धरती ही क्या, आकाश और पाताल में भी वे देवी इसलिए है कि साथ देती है। और नारी वेश यदि धारण कर लिया तो वह अपनी पत्नी परिवार से दूर रहेगा, नशा नहीं करेगा, बहन बेटी के घर गुवाड़ी गांव में नाचकर उनके आयुष्य, धन धान्य, संतान सुख के साथ पशुधन समृद्ध हो, समय पर बारिश हो और बहनों की राखी फली फूली रहे। 40 दिन के बाद घड़ावन और बलावन की प्रथा होती है जिसकी अग्नि परीक्षा रोंगटे खड़े कर देती है। भावधारी भोपा रहे बंशीलाल भील अग्नि परीक्षा के बारे में बताते हुए सरकार से गौरी के संरक्षण के साथ इसके पात्रों की आर्थिक मदद की अपील कर रहे हैं। जब ठंडी राखी से गौरी स्टार्ट होती है उस समय 9 जो इसमें मेन भोपे जो होते हैं वो लोग क्या है, पूरा 1.25 महीना इसमें गौरी रमते हैं और 9 दिन इसमें व्रत भी रखते हैं ये लोग। और जैसे ही घड़ावन होती है उस रात को ये 9 भोपे, एक हमारा एक रिवाज है इसमें कि 1.25 महीने जो गौरी आप जो खेले हो रमे हो वो सही तरीके से रमे या नहीं रमे उसकी एक अग्नि परीक्षा देनी होती है। उसमें प्रत्येक भोपे को जो अग्नि का एक दिया बनाया जाता है, उस दिए के ऊपर मुंह से, हाथ से, शरीर से उस दिए को टच करते हुए पूरे को वो अग्नि स्नान करना पड़ता है। और उससे ये होता है कि जितने भी हजारों लोग जो इकट्ठे होते हैं वो ये खुले में प्रदर्शन करते हैं और खुले में इसकी अग्नि परीक्षा देते हैं और इसको हजारों लोग देखते हैं कि कहीं इनके शरीर पे दाग तो नहीं लगा। तो ये 1.25 महीने जो कड़ी परीक्षा देते हैं गौरी खेल के, उसका ये परीक्षा देते हैं, अग्नि परीक्षा कहते हैं इसको। इस गौरी जो नृत्य है इसको और अगर बढ़ावा अगर देवें तो इसके लिए क्या प्रयास करने चाहिए, क्या है? मेरे आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जो भी सरकार है और ये विशेष तौर से मेवाड़ में ली जाती है, पूरे इंडिया में नहीं है, और जो भी सरकार है उनसे निवेदन है कि कम से कम ये लोग 1.25 महीने गौरी रमते हैं इनको कोई आर्थिक सहायता नहीं दी जाती है। तो सरकार अगर इनको सीधे पंचायत या किसी भी अधिकारी थ्रू अगर सहायता देती थी इन लोगों को, इसमें लोगों से ब्याज लेकर इनको जो समापन करते हैं उसके लिए इनको कर्ज नहीं लेना पड़ेगा और सरकार सहायता करेगी तो इसको और बढ़ावा मिलेगा। जनजातियों में अभिनय किसी अनुष्ठान से कम नहीं। बहुत हद तक हमारे अनुष्ठानों के पीछे के एकनिष्ठ संकल्प और अलगाव के आचार का मूल जन विश्वास से ग्रहण कर लोकबद्ध किया गया लगता है। भील जैसी सबसे पुरानी और अपनी सुदीर्घ प्रथाओं की पीठिका से सम्मानित जाति जिस गौरी नृत्य को करती है उसका अपना अनुष्ठान पक्ष है। 40 दिन तक गौरी दल के सदस्य न हरी सब्जी खाते हैं, न ही पांवों में जूते पहनते हैं। वे परिवार से पूरी तरह दूर रहते हैं और किसी देवालय में ही विश्राम करते हैं। न कमाने की चिंता, न ही खाने का ख्याल। जिस किसी भी गांव में गौरी नर्तन का व्रत लिया जाता है वहां समापन के 2-2 उत्सव मनाए जाते हैं, घड़ावण और बलावण अर्थात तैयारी और विसर्जन। घड़ावण के दिन खाट पर काली खोल चढ़ाकर हाथी बनाया जाता है और इंद्र की सवारी निकाली जाती है। विसर्जन के लिए गजवाहिनी पार्वती गौरजा माता की मृणमयी मूर्ति बनाई जाती है और उसको सजा धजा कर गांव में सवारी निकाली जाती है।
पूरे रास्ते पर गवरी के सभी मांझी पात्र, बूढ़िया, भोपा, दोनों राइया, कुटकुटिया आदि खेलों को अंजाम देते चलते हैं और थाली के साथ मांदल बजते हैं। शाम को उसी गांव के माताजी के मंदिर पर गवरी का मंचन होता है। उसे देखने के लिए गांव के हर घर का सदस्य मौजूद रहता है। इसी दौरान होती है अग्नि परीक्षा, जिसे देखना कम ही नसीब होता है। शरीर पर एक वस्त्र, बड़ा सा दीपक, उसके अंदर आटे से बनाया दीपक और जलती हुई मोटी लो पर पूरे शरीर को घुमाना ही सत्य की परीक्षा होती है। गवरी में व्रत लेने वाले किरदार इस अग्नि परीक्षा का हिस्सा होते हैं। इसके बाद वलावन की रस्म के साथ उल्लासपूर्ण वातावरण में गवरी के व्रत का समापन हो जाता है। कलाकारों को रिश्तेदार पोशाक आदि भेंट करते हैं। वह वेश धारण कर 40 दिन तक थिरकने वाले पांव अपने घर की ओर लौट जाते हैं। हम इस वक्त आ पहुंचे हैं उस जगह पर जहां पर गवरी के आखिरी दिन यानी 40 दिनों के बाद आखिरी दिन आज गड़ावण और वलावण की प्रक्रिया की जा रही है, जहां पार्वती माता को हाथी पर विराजित कर लाया गया है और तमाम दर्शक वहां पर मौजूद हैं, तमाम ग्रामीण लोग वहां पर मौजूद हैं जो गवरी को देखने के लिए उमड़ पड़े हैं। तो चलिए हमारे साथ आज धर्मरथ के जरिए गवरी की इस आखिरी यात्रा को देखने के लिए। लोक नृत्य है जिसमें संवाद भी है, जिसमें नृत्य भी है और जिसमें नाटक भी है, और इसीलिए मेवाड़ का ये लोक नृत्य काफ़ी निराला है, काफ़ी अद्भुत है, काफ़ी अलौकिक है। आज गड़ावण और बलावण की यहाँ पर प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। कहा जाता है कि गोर्जिया माता की मिट्टी की प्रतिमा बनाने के लिए लगभग 15 दिन पहले से ही गाँव के मौतबीर, यहाँ के पंच, सरपंच सभी लोग मिलकर ससम्मान गाँव के प्रजापत और कुम्हार के पास जाते हैं और उन्हें निमंत्रण दिया जाता है गोर्जिया माता की मूर्ति बनाई जाए, और वहाँ पर मौजूद चाक की पूजा भी ये लोग करते हैं और 15 दिन तक अखंड ज्योत चाक पर जलाई जाती है और गोर्जिया माता की प्रतिमा बनाई जाती है, और आखिरी दिन गोर्जिया माता को हाथी पर सवार करके शाही लवाजमे के साथ गांव के सभी लोग पूरा नगर भ्रमण करवाते हैं, गांव का भ्रमण करवाते हैं, और उसके बाद जहां गवरी खेली जाती है वहां पर उनको स्थापित किया जाता है, और अगले दिन बलावण की प्रक्रिया होती है जहां माता जी का विसर्जन किया जाता है। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर प्रतिमा, कितनी अलौकिक प्रतिमा माँ की इस वक्त यहां के प्रजापत ने बनाई है और साक्षात विराजमान इन माता को माना जाता है। कहा जाता है कि जब गवरी नाटक चलता है तो लगभग 40 दिनों तक ये सभी कलाकार कई सारे कड़े नियमों का पालन करते हैं, जिसमें ना तो ये लोग हरी सब्जी खाते हैं, ना पैरों में जूते चप्पल पहनते हैं, ना मांस मदिरा का सेवन किया जाता है, और यहाँ तक कि स्नान भी नहीं करते हैं। ये कड़ी तपस्या है। गवरी लोक नृत्य में काफ़ी परिवर्तन आया है, समय के साथ काफ़ी बदलाव यहाँ देखे गए, नए नए नाटक, नए नए किस्से, कहानियाँ इसमें जुड़ते गए, पहनावे में बदलाव होता गया, लेकिन आज भी लोगों की आस्था और विश्वास कायम है, और इसका उदाहरण है कि चाहे तपन हो, चाहे तपिश हो, चाहे बदन झुलसा देने वाली गर्मी हो या फिर बारिश का मौसम हो, लोग जहाँ जहाँ गवरी चलती है वहाँ रुक कर गवरी देखना नहीं भूलते हैं। Let's go, let's go.
आज गौरी के तमाम कलाकारों की अग्नि परीक्षा दी गई, जहां अग्नि परीक्षा में देवी माँ का आशीर्वाद उन्हें मिला, देवी गोर्जिया का आशीर्वाद उन्हें मिला और तमाम भोपे आज अपनी अग्नि परीक्षा में सफल होते हुए नजर आए। ये जीत सच्चाई की है, ये जीत उस अग्नि परीक्षा की है जो 40 दिनों तक इन लोगों ने कड़ी तपस्या, कड़ी मेहनत और सारे ही नियमों की पालना करने के बाद प्राप्त की है। ये मेवाड़ का लोक नृत्य है, ये मेवाड़ की संस्कृति है। कैमरा पर्सन राम सिंह राजपूत के साथ कृतिका चौबीसा, उदयपुर न्यूज़।